आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर रहे थे आपके एग्जाम के लिए, तो देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने एक सेट आपका करा दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लेना। इसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि जिससे कि आपका यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ना, तो ये आपको देखने में तो लगेंगे कुछ और, लेकिन मीनिंग किस इसका कुछ और होता है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली रटने में जाइएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ट्रिक से यदि आप याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 17वें नंबर का है, इससे पहले 16 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए दिया हुआ है कि टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो वो बिना विश्वास किए हुए, यानी कि किसी चीज़ को मानते तो हैं हम लोग लेकिन उस पर विश्वास नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, यानी कि टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। अब इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो जैसे हम सॉल्ट बोल देते हैं या फिर एक तरह से बोला जाता है ना कि नमक हराम बोला जाता है किसी को, तो ये क्या होता है कि जो किसी को धोखाधड़ी दे या फिर जैसे विश्वास ना करे कोई, तो उस तरीके से आप इसमें आपका जैसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट आपका दिया जा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। फिर देखिए अगला आपका है टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट इसका देखिए मतलब होता है कि किसी से नॉनसेंस तरीके से बात करना है, यानी कि उसको कुछ भी कह देना बिना सोचे समझे, तो ये होता है इसका मतलब। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू टॉक नॉनसेंसली। तो इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे कि जैसे कोई पर्सन है ये कोई बात करता है, कोई नॉर्मली जब वो बात करे किसी के सामने तो वो तो अच्छा ही बात करेगा, लेकिन कोई अगर अपने जैसे अपने सामने अपना हैट ले आएगा, यानी कि जो टोपी है उसका, वो अपने सामने ले आएगा, उसके बाद अपना मुंह को छिपा के बात करेगा किसी से, तो वो तो अच्छा बात करेगा नहीं, वो नॉनसेंस तरीके से ही बात करेगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। और फिगर में अभी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन है ये क्या कर रहा है कि टोपी को अपने सामने ले आया उसके बाद बात कर रहा है, उसको तो कुछ भी कह सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि टू टॉक नॉनसेंस। फिर देखिए अगला है इन एंड आउट्स। तो इन एंड आउट इसका मतलब होता है कि जैसे पूरा डिटेल और पूरा कम्प्लेक्सिटी क्या क्या होते हैं किसी भी चीज़ों में, तो उसका मतलब आपका हो जाएगा इन एंड आउट का ही। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डिटेल्स एंड कम्प्लेक्सिटीज। अब जैसे बोलते हैं ना कि रीड इट केयरफुली, जितने भी उसमें लिखे गए हैं इन और आउट जो भी चीज़ें उसके अंदर में है, तो इसी का मतलब आपका हो जाएगा कि डिटेल और कम्प्लीटली क्या है इसके अंदर में। और तो इसको आप इजिली भी याद रख सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है कि इन एंड आउट। तो देखिए इन मतलब कि जैसे कोई पर्सन है यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर में जो भी, इसके अंदर में इन में जो भी दिया गया है तो आप उसको अच्छे से देख लो, और आउट्स मतलब है कि जैसे इसका जो भी कम्प्लेक्सिटी है आप उसको समझ लो सारे चीज़ों को कि क्या इसमें इन है और आउट है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजिली याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि डिटेल्स एंड कम्प्लेक्सिटीज हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि टू फॉर्म एट वंस माउथ। टू फॉर्म एट वंस माउथ इसका मतलब होता है कि जैसे बहुत ही गुस्सा हो जाना किसी भी चीज़ के चलते या फिर किसी के चलते, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, यानी कि टू गेट वेरी एंग्री हो जाएगा इसका। अब इसको देखिए कैसे हम याद रखेंगे कि जैसे कोई पर्सन है यदि वो गुस्से में होता है या फिर वो कोई गुस्सा दिलाता है उसको, तो उसके मुँह से क्या हो जाते हैं, उसके मुँह से क्या आते हैं, फोम निकलते हैं, यानी कि इस तरीके का झाग निकलते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा मजाक तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको एक ट्रिकी वे में सोचना होगा इसको कि जैसे कोई पर्सन है यदि उसके मुंह में जैसे वो गुस्से में हो जाता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, झाग निकलने लगता है इस तरीके से, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि वो बहुत गुस्से में है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि टू गेट वेरी एंग्री। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। फिर देखिए अगला है कि टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब होता है कि जैसे अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करना, वो चाहे कहीं भी आप लोग हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में हो या फिर कोई प्लेसेस पे हो, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। यदि हम कोई फिश को, जैसे फिश वाटर में ही एक रहती है, उसको यदि हम बाहर लाएंगे तो वो तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी ही करेगी। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जैसे हम कोई फिश को वाटर से बाहर लाएंगे तो वो तो अनकंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जिंदा रह नहीं पाएगा बाहर। तो इसको आप बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है कि एक लास्ट मोमेंट में, यानी कि कोई
अंतिम क्षण में कोई काम किया जाए उसको बोलते हैं हम लोग एट द लास्ट आवर। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट। अब इसको देखिए कैसे हम याद रखेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एट द 11th आवर। अब जैसे देखिए 12 बजते हैं टोटल, यानी कि टोटल जैसे 12 आपका बजती है एएम पीएम जो भी होते हैं, तो उसमें जैसे आपका क्या होता है कि जो 11 है तो वो क्या सबसे आखिरी घंटा होता है, तो एट द 11th का मतलब आपका हो गया। वहीं से आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एट द लास्ट में, यानी कि कोई भी काम करना होता है यदि लास्ट में करना है तो हमको 11 बजे ही करना होगा, यानी कि एट द 11th आवर पर ही करते हैं कोई भी काम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है कि जैसे अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले आना कि जहाँ पे आपको नुकसान हो, और वो भी खासकर होता है कि फाइनेंशियल लॉस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस। तो इसको देखिए कैसे हम याद रखेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि टू बर्न वंस फिंगर, तो यदि हम अपना फिंगर ही है कि जो हम लोग खुद ही बर्न कर लेंगे, तो जैसे पैसे जो हम लोग गिनते हैं अपने उंगली से ही, हाथों से ही, उंगली से ही आप लोग गिनते हैं हम लोग, तो जब उसी में बर्न कर लेंगे हम लोग खुद से ही, तो फिर तो उसको गिन नहीं पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस ही होगा, हमें ही सफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। तो टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा कि टू सफर फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। फिर देखिए अगला है कि टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना, यानी कि उसको और ज़्यादा सुलगा देना। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि टू इनसाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप लोग याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, फायर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है कि उसमें और ज़्यादा उसमें ऐड फ्यूल कर रहा है, यानी कि उसमें फ्यूल और डाल रहा है। तो आप जानते हैं कि फ्यूल तो और कम्बस्टिबल होता है, वो और इसको भड़काएगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं कि यदि हम फायर में फ्यूल डालेंगे अलग से, तो वो तो और ज़्यादा भड़काएगा ही उसको। तो इसका क्या आपका मीनिंग हो जाएगा, टू इनसाइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला है कि टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि जैसे किसी का सीक्रेट है उसको सबके सामने ले आना, या फिर और भी कोई जो बातें होते हैं जो सबके सामने सार्वजनिक हो जाती है, तो इसी का मतलब आपका होगा टू ब्रिंग टू लाइट। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू रिवील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वन आप ए हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है अंधेरा में रहेगा, तो वो तो कोई किसी को, मतलब किसी को जाने कि कोई भी चीज़ हम लोग जान नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को लाइट में लाएंगे तो उसके बारे में सभी लोग जान जाएंगे कि हाँ ये क्या है, क्या था इसके बारे में। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं कि टू ब्रिंग टू लाइट, यानी किसी चीज़ को हम लाइट में लाएंगे तो वो तो सबके सामने रिवील हो ही जाएगा, तो वो तो किसी से छुपेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ईजी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका टू कंसील आपका दिया हुआ है, टू कंसील का मतलब होता है कि छुपाना किसी चीज़ को। फिर देखिए अगला है कि टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है कि जैसे हम पैसे जो बनाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से कोई चीज़ हमें जब लॉटरी लग जाती है तो हमें क्या बोलती है, उस समय बहुत तेज़ी से पैसे मिलती है, अचानक से पैसे मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टू मेक मनी क्विकली, यानी कि अचानक से पैसे बना लेना। तो इसको आप लोग बिल्कुल इजीली भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोई लॉटरी लगता है तो उसमें एक जैकपॉट प्राइस रहता है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस रहती है उसमें कोई भी लॉटरी रहती है, तो यदि किसी पर्सन को लॉटरी वही लग गया जो कि उसको, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जैकपॉट बोलते हैं। तो यदि कोई उस जैकपॉट का हिट करेगा तो उसको तो एक ही बार में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि जैसे बहुत तेज़ी से खर्च करना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यानी कि इसमें बात आती है कि फाइनेंशियली यदि हम बात करें तो पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करना। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि टू बी एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेजेंट बोलते हैं हम लोग उनको बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वो आपका जैसे पैसे हो गया, फिर वेल्थ हो गया, कोई भी चीज़ आपका हो सकता है इसमें। तो इसको देखिए बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं कि जैसे इस दिया आपका इसमें कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स है, तो यदि हम कैंडल को केवल एक ही तरफ जैसे जलाया जाता है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ही खत्म होगा, लेकिन यदि हम उसको दोनों तरफ से जलाएंगे तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आप यदि आप कैंडल को दोनों तरफ से जलाइएगा तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए स्टेटस क्यो है।
तो देखिए स्टेटस क्यो का मतलब होता है कि जैसे हम अपना जो पोजीशन जो भी रहती है, हमारा जो सोशल स्टेटस हो वो उसको उसी तरह से मेंटेन करके रखना, उसमें किसी तरह का दाग नहीं लगने देना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेटस क्यो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनचेंज पोजिशन। और ये चीज़ आपने सुना भी होगा कि जैसे हमने अपना स्टेटस क्यो मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी कि जो पोजिशन हमारा है वो हमने उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं होने होने नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है बाय फेयर मीन्स और फॉल। तो देखिए बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है कि चाहे हम किसी भी तरीके अपनाएं, हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यही आपका हो जाएगा, यानी कि कोई भी तरीका अपनाना, किसी चीज़ को आपको जीतना है या फिर आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इन एनी वे डिसहॉनेस्ट और डिसहॉनेस्ट तरीके से। तो इसको बिल्कुल आप लोग इजिली याद कर सकते हैं। फेयर यहाँ पे है कि यानी अच्छे तरीके से, फॉल का मतलब होता है कि चाहे वो बेईमानी करके ही आप लोग किसी तरह से करें, तो हमें तो बस एक ही लक्ष्य है कि हमें जीतना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है कि एट वंस बेक एंड कॉल। एट वन बेक एंड कॉल का मतलब होता है कि जैसे हम किसी के द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं, तो यानी कि उसकी हर आज्ञा का बात मानते हैं, जो भी वो कहे तो हम उसको तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर इसका क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। सी नहीं होगा, डी आपका होगा इसमें, कि टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एट वंस बेक एंड कॉल। अब जैसे कोई पर्सन है वो आपको बुला रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करते चल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि उसकी हर आज्ञा को आप बात मान रहे हैं। तो ये आपका मीनिंग इससे भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, यानी कि जो आप डोमिनेट होते हैं किसी के थ्रू। फिर देखिए अगला है कि टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू इसका मतलब होता है कि हम हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई करते हैं, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं तो सारे को ट्राई करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। अब इसको देखिए बिल्कुल इजीली आप याद कर सकते हैं कि जैसे आप दिया हुआ है कि टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि जैसे आप हर एक पाथ को फॉलो करना, यानी कि जाना, या फिर जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उन सभी चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसका जो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, यानी कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सभी को ट्राई करना। फिर अगला देखिए है कि अ रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है कि जैसे आपके जीवन में वो एक ऐसा क्षण कि जिस समय आप बहुत ही इंजॉय आप किए होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग अ रेड लेटर डे बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। तो इसको देखिए कैसे हम याद रखेंगे कि जैसे कोई भी डे होता है तो उस कैलेंडर में आप देखिए कि वो तो नॉर्मली ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो कोई आपका एक इम्पॉर्टेंट डे रहता है कि जिस दिन आप बहुत ही इंजॉय करते हैं उस दिन, तो आप उसको क्या करते हैं एक रेड लेटर से मार्क करके रखते हैं। जैसे कि इसमें 23 तारीख का दिन दिया गया, इसको रेड मार्क करके रखा गया है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से एक रेड लेटर डे हो गया, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट डे हो गया। तो इसको आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से हैं जो और भी इडियम्स एंड फ्रेजेज है, तो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता हम इसी तरीके से आपके पास लाते रहेंगे कि जिससे कि आपका इससे यदि एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से और भी जो इंग्लिश के जो भी क्लासेस होंगे या फिर जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहते हैं इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं, हम उनका क्लास आपके सामने लाते रहेंगे इस एग्जाम के लिए जो कि आपका विजय स्टील का है और जो NLC का एग्जाम आपका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।